आई एम योर पूजा मैम। आप सभी मुझे पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। तो बच्चों अब मैं आपको सेकेंड क्लास में SST पढ़ाऊंगी। ओके, SST की बुक आप सबने ले ली होगी अपनी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है SST आपका सब्जेक्ट है, तो SST का आपका जो वीडियोज है वो वेडनेसडे में वन टाइम जाएगा। ऑलराइट, तो SST का जो हमारा फर्स्ट लेसन है, लेसन वन, माय फैमिली। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। सो दिस इज योर बुक, ओके। इन योर बुक लेसन नंबर वन, माय फैमिली। तो स्टूडेंट दिस इज योर बुक, आप क्लास 2 की SST की बुक आपकी ये है। देखिए नंबर 2 लिखा है, नंबर 2 का मतलब हुआ क्लास 2 की। ओके, तो आप अपनी बुक का लेसन खोल लीजिए। आपका लेसन नंबर है 1, लेसन नंबर 1, पेज नंबर है 5 और लेसन का नाम है माय फैमिली। ऑलराइट, माय फैमिली का मतलब मेरा परिवार। आप भी अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग भी हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके दादी, बाबा, चाची, चाचा, उनके बहुत सारे कज़न हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली रहते हैं, उनके मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों आज हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवर फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक परिवार जो होता है हमारे समाज का सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी यूनिट होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद हुम मदर, फादर एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। तो परिवार किससे बनता है? परिवार माँ, पिता, बच्चों को मिलाकर एक जो लोगों का एक इकट्ठा ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। और क्या जो फैमिलीज होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली हैज। और कौन सी फैमिली किस टाइप की है, किस क्या प्रकार है, वो उसके मेंबर्स पे, यानी कितने लोग रहते हैं उस पे वो डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फैमिली, तो हमारे टाइप में सबसे पहले आता है न्यूक्लियर फैमिली। फादर, मदर, सन एंड डॉटर मेक्स अ स्मॉल फैमिली। जिस परिवार में पापा, मम्मी, बेटा और बेटी रहते हैं उस फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली, यानी कि छोटा परिवार कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, इसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली कैन बी अ बिग और स्मॉल, ये बिग भी, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। इन अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, माता पिता अपने 1 या 2 बच्चों के साथ में रहते हैं। इन अ बिग न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। और जो बड़ी न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें माता पिता अपने 1 या 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ में एक साथ रहते हैं। उसके बाद आती है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। इन सेम फैमिलीज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़न ऑल लिव टुगेदर। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें दादी, बाबा, चाचा, चाची और उनके कज़न साथ में रहते हैं, उसे हम कहते हैं सच अ फैमिली लिविंग अंडर वन रूफ इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। ये सब एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार। शेयरिंग इन अ फैमिली, यानी कि परिवार के साथ में रहना। फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर हैप्पीली, जो साथ में घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो बहुत साथ खुशी के साथ में रहते हैं। इन अ फैमिली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, सो बिसाइड शेयरिंग लव द फैमिली मेम्बर ऑल्सो शेयर द हाउस वर्क। क्योंकि एक परिवार में जब बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो बच्चों वहाँ पे काम भी बहुत होता है। जिस प्रकार से वो एक दूसरे को प्यार बांटते हैं उसी प्रकार से अपना काम भी, जो भी घर के कार्य होते हैं वो अलग अलग कार्यों में, अलग अलग लोगों में बांट दिए जाते हैं। जैसे कि फादर वर्क टू अर्न मनी फॉर द फैमिली। पापा का क्या काम होता है? पापा का काम होता है कि घर के लिए पैसे कमाएं। मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली, मम्मी का काम है बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए खाना पकाए। पेरेंट्स समटाइम्स प्ले विद द चिल्ड्रन, माता पिता कभी कभी अपने बच्चों के साथ में क्या करते हैं? खेलते भी हैं। ग्रैंड पेरेंट्स टेल स्टोरीज टू द ग्रैंड चिल्ड्रन, जो दादी बाबा होते हैं वो अपने क्या करते हैं? अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाया करते हैं। केयरिंग फॉर ईच अदर, साथ ही क्या होते हैं? एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। ऑल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली केयर फॉर ईच अदर, सभी सदस्य घर के एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। हैविंग फन टुगेदर, जैसे कि देखिए अभी है कैसे करते हैं,
चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स टू क्लीनिंग होम, बच्चों का क्या कार्य होता है, बच्चे अपने माता पिता की घर की सफाई करने में मदद करते हैं। दे कीप देयर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस, वो घर का समस्त सामान अपनी प्रॉपर एक जगह पर जहाँ पर व्यवस्थित करना चाहिए वहाँ पर वो रखते हैं। हैविंग फन टुगेदर, द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर, तो साथ में जब माता पिता साथ में रहते हैं, पूरी फैमिली साथ में रहती है तो क्या करते हैं, बस साथ में बहुत अच्छा लगता है, साथ में समय व्यतीत करते हैं। दे सेलिब्रेट बर्थडेज, एनिवर्सरी, फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन टुगेदर, वो साथ में बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, त्यौहार होते हैं, सबको साथ साथ एक साथ मनाते हैं। दे हैव फन एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट, हॉलीडे एंड आर स्पेशल, तो वो क्या करते हैं, साथ में एक साथ रहकर खुशी मनाते हैं, और इसमें छुट्टियाँ जब पड़ती हैं वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, सब लोग छुट्टी का वेट करते हैं। एवरी वन इज़ एट होम, स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड, चिल्ड्रेन गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली, छुट्टी वाले दिन बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं आपके घर में भी, संडे वाले दिन मम्मी स्पेशल चीज़ बनाती हैं, अलग से हम लोग प्लान करते हैं, खेलते हैं, शैतानी करते हैं, और एक साथ रहने में बहुत मज़ा भी आता है। इन आर फैमिली वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, परिवार में एक साथ रहने पर हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। वी शेयर्स आर जॉयस एंड सॉरो विद आर फैमिली मेम्बर्स, हाँ अपने फैमिली मेम्बर्स साथ में क्या करते हैं, अपनी खुशी और अपने दुख भी बांटते हैं। वी मस्ट ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनी उनकी बात माननी चाहिए। वी मस्ट केयर फॉर आर यंगर्स, जो हमसे छोटे हैं हमें उनकी देखभाल करना चाहिए, उनका बहुत ध्यान भी रखना चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन की पूरी अच्छी तरह से रीडिंग करवा दी है। आपको होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क होगा फर्स्टली आप फर्स्ट यू रीड योर लेसन, लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पहले आप रीडिंग करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी अच्छे से रीडिंग करना नहीं जानते हैं, तो शब्द को तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ना सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद शब्द के नीचे अंडरलाइन करके उनकी हिंदी लिखना सीखिए, आपको अच्छे से हिंदी समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट सोमवार होमवर्क होगा, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जितने आपके घर में सदस्य हैं, उन सबकी एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की उसको आप लीजिएगा और उसे कॉपी में स्टिक कीजिएगा और उनके नीचे उनके नाम लिखिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्या एक्सरसाइजेस करवा दूंगी, इसके ट्रू एंड फॉल्स, टिक एंड करेक्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, ये सब करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।